नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे Realme के 7 Pro के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Flipkart के ऊपर एक सेल स्टार्ट हो चुकी है, बिग सेविंग डे सेल। दोस्तों उस सेल में ये फ़ोन आपको काफ़ी कम कीमत में देखने को मिल रहा है। दोस्तों क्या ये फ़ोन आपको उस कीमत पे जो मिल रहा है उस कीमत में दोस्तों ये फ़ोन लेना वर्थ रहेगा या फिर नहीं रहेगा? और दोस्तों ऐसा इस फ़ोन में क्या है जिसकी वजह से हमें ये फ़ोन आज की डेट में भी लेना चाहिए? दोस्तों ये सब मैं आपसे आज की वीडियो में आज बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि अगर आप कोई इस सेल से फ़ोन लेने की सोच रहे हो तो क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो आप इस फ़ोन को सिर्फ 2700 रुपये में मंगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्राइस तो अभी फ़िलहाल 15000 रुपये है सेल के अंदर 3 दिन के लिए। वैसे इसकी प्राइस तो 20000 रुपये है, बट सेल के अंदर जो आपको 15000 रुपये का मिल रहा है। और बट दोस्तों अगर आपके पास इतने पैसे भी नहीं है तो आप इस फ़ोन को सिर्फ 2700 रुपये में मंगा सकते हो। आपको सिर्फ 2700 रुपये एडवांस में पेमेंट देना है और ये फ़ोन आपके पास आ जाएगा और आप बाद में इसके पैसे दे सकते हो। तो दोस्तों सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल स्टार्ट हो चुकी है। इस सेल के अंदर आपको काफ़ी स्मार्टफोन के ऊपर अच्छे अच्छे ऑफर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से दोस्तों एक है रियलमी 7 प्रो जो आपको मिल रहा है सिर्फ 15000 रुपये का। अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड है तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 15000 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आपके पास 15000 रुपये भी नहीं है तो आप इस फ़ोन को सिर्फ 2700 रुपये मंगा सकते हो अपने एड्रेस पर। सिर्फ आपको एक किस्त देनी है। अगर आपके पास बजाज कार्ड है तो आपको सिर्फ 2700 रुपये पेमेंट करना है और आपके एड्रेस पर ये फ़ोन दोस्तों सेंड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कि ये फ़ोन हमें क्यों लेना चाहिए। दोस्तों इसके अंदर हमें मिलती है 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले, जो कि दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जिसके साथ दोस्तों आपको कोरियन गोरिल्ला 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कोरियन गोरिल्ला दोस्तों प्रोटेक्शन है वो 5 से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस पर आसानी से स्क्रैच नहीं आते। और दोस्तों कैमरे की बात की जाए तो इसमें हमें दोस्तों मेन कैमरा मिलता है इसके रियर में, वो है 64 MP का, जिसमें दोस्तों आपको सोनी का सेंसर दिया गया है। इसका फ्रंट कैमरा दोस्तों काफ़ी अच्छा है, 32 MP का। और इसके दोस्तों रियर में 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें दोस्तों अलग अलग सेंसर दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों मेन कैमरा में आपको बताया 64 MP का है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है और 65 W का फास्ट चार्जर है, जिसमें दोस्तों आपको इस फ़ोन की बैटरी काफ़ी अच्छी चलने वाली है और चार्ज दोस्तों काफ़ी फास्ट है, जिससे आप इस फ़ोन को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हो। प्रोसेसर दोस्तों इसका है स्नैपड्रैगन 720G। 4G प्रोसेसर दोस्तों 5G नहीं है, बट अभी 5G आया ही नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों 4G प्रोसेसर है इसका 720G, दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। हाँ दोस्तों डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी है। इसमें दोस्तों आपको मैट का ग्लास दिया, मैट का बैग दिया गया है पीछे, तो दोस्तों इस पर बिल्कुल आसानी से स्क्रैच नहीं आ सकते। काफ़ी आप अगर इस फ़ोन को आप बिना कवर के भी यूज करते हो तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच देखने को नहीं मिलेंगे। इसके फ्रंट में दोस्तों एक पंच होल कैमरा दिया गया है जो कि दोस्तों 32 MP वाला है। दोस्तों डिज़ाइन के मामले में हर चीज़ से फ़ोन काफ़ी अच्छा है। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको डुअल स्पीकर दिया गया है, डुअल साउंड, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लाउड है। और दोस्तों देखने में ये फ़ोन काफ़ी स्मार्ट लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है और दोस्तों काफ़ी हैंडी भी है। तो अगर आपको दोस्तों कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी कीमत में मिल जाए तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि रियलमी की दोस्तों ये ब्रांड है वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये जो फ़ोन दोस्तों 20000 रुपये का मिलेगा इस सेल के बाद भी और इस सेल से पहले भी, बट अभी जो आपको सिर्फ 15000 का मिल रहा है इस सेल के अंदर 16 तारीख तक। तो दोस्तों अगर आपके पास SBI क्रेडिट कार्ड नहीं है फिर भी दोस्तों ये फ़ोन आपको सिर्फ 2700 रुपये पर मंथ की किस्त पर मिल सकता है 3 दिन के लिए। अगर आप इस फ़ोन को 3 दिन के अंदर बुक करते हो फ्लिपकार्ट से तो ये फ़ोन आपको सिर्फ 2700 रुपये मिल जाएगा। आपको सिर्फ 2700 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और ये फ़ोन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेल जो चल रही है उसमें ये फ़ोन आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है और 2700 रुपये की EMI पर ये फ़ोन आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आपको ये फ़ोन चाहिए रियलमी का 7 प्रो तो आप इस फ़ोन तक जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों अभी जो नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं 14-15 हज़ार रुपये की प्राइस पर, दोस्तों उनके मुकाबले ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों आप इसके रेट से ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसके दोस्तों ये प्राइस वो 20000 रुपये और ये सेल के अंदर मिल रहा है आपको 15000 रुपये का। बट दोस्तों जो फ़ोन 15000 रुपये पर लॉन्च हो रहे हैं वो आप खुद सोचो कि वो 15000 रुपये लॉन्च हुए हैं और जी दोस्तों 20000 रुपये पर लॉन्च हुआ है, तो प्राइस से ही आपको पता लग जाएगा कि 15000 रुपये की जो प्राइस वाले फ़ोन होते हैं उन फ़ोन में और इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि ये फ़ोन आपके लिए कितना ज़्यादा वर्थ है और आपको अगर ये फ़ोन लेना है तो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ।
तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।